आज का जो टॉपिक है वो उसका क्विक रिवीजन भाई हम कर रहे हैं ब्लड के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना ब्लड ग्रुप के ग्रुपिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ए बी ओ सिस्टम और एक होता है आर एच फैक्टर सिस्टम। ए बी ओ सिस्टम और आर एच फैक्टर सिस्टम। ए बी ओ सिस्टम के तहत हमें ये पता लगता है कि ब्लड ग्रुप चार हैं। ब्लड ग्रुप कितने हैं? फोर हैं। ए है, बी है और क्या है जी, ए बी है, क्या है, ए बी है और इसके अलावा ओ है। और क्या है? ओ है। ओके, आपने सोचना ये है कि देखिए ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, चले मैं इसे रेड से बना लेता तो अच्छा था। ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये देखो ये इसका मतलब है चार ग्रुप है तो मैं चार रेड ब्लड सेल बनाता हूँ, चारों एक किस्म के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ए है तो और तरह का होगा, बी का और तरह का होगा, ए बी का और तरह का होगा, ये होगा। इसलिए कितने सेल बनाऊंगा यहाँ पर? चार, ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए भैया एक दो तीन और ये चार हो गए। ओके, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन। कहता है अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर जो सरफेस पर एंटीजन ए हो, एंटीजन ए हो, एंटीजन ए हो, तो इसका नाम होगा ब्लड ग्रुप ए। ओके, अगर इसके ऊपर एंटीजन क्या हो, बी हो, एंटीजन क्या हो, बी हो, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और कि कहाँ पर? रेड ब्लड सेल के सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। अगर मेरे पास एक ब्लड सेल है उसके ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद है और उसी की रेड ब्लड सेल पर एंटीजन बी भी मौजूद, पूरे पे होते हैं, मौजूद होते हैं। ओके, एंटीजन होते हैं पूरे मौजूद होते हैं। ओके, एंटीजन, ओके, समझ आ गई ना भैया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ये क्या होगा? ए होगा, ये बी होगा, ये ए बी होगा। और अगर कोई भी ना हो, ना रेड, ना अपना ए एंटीजन हो, ना बी एंटीजन हो, कुछ भी ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओ, ठीक है, जीरो। ओ, भी कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन हमेशा कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पर पाया जाता है। ओके, ऑन द सरफेस पाए जाते हैं एंटीजन। अगर एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन अगर ए और बी दोनों होगा तो ए भी होगा, और अगर कोई नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इज क्लियर? तो बेटा याद रखना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ कि एंटीजन, क्या ले रहा हूँ, एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए होगा, इसके अंदर क्या होगा, बी होगा, इसके अंदर ए भी होगा, बी भी होगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ओके, बात समझ आ गई ना। जहाँ एंटीजन की बात होती है वहाँ एंटीबॉडी की बात होती है। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक जगह रह सकते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन एंटीबॉडी ये एक जगह रह सकते हैं? है भाई, रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज भी होगा, जब एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी होगा, एंटी एंटीबॉडी भी होगा। एंटीजन तो था कहाँ पे? रेड ब्लड सेल की सेल पे था, और एंटीबॉडी कहाँ होगा? इसके साइटोप्लाज्म में होगा। इसके कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म। इसके कहाँ पे होगा भैया? साइटोप्लाज्म में। ये एक चीज याद रखनी है, अगर ए है तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग का बी एंटीजन, बी का एंटीबॉडीज होगा। ए एंटीजन है तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी बॉडी बी। ओके, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए। किसने बोला? एंटीबॉडी ए होगा। ओके, और इसके अंदर क्या होगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन अगर होगा तो उसका एंटीबॉडी वहां पे मौजूद नहीं होगा। जब एंटीजन ए मौजूद है तो उसका एंटीबॉडी भी नहीं होगा, एंटीजन बी भी मौजूद है उसका एंटीबॉडी भी नहीं होगा। वेरी सिंपल। और इसी तरह जब कोई एंटीजन नहीं है तो इसके ऊपर एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। ये समझ आ गई आपको? अब बात समझ आ गई ना। तो ये कौन डिसाइड करता है? एंटीजन डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, और उसका कोरोस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी मौजूद होते हैं।
तो ए बी ओ सिस्टम में दोनों चीज़ें होती हैं, एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडीज भी होते हैं। ओके समझ आई है ना। तो ये पता लग गया ए में एंटीबॉडी क्या होगा, बी 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 एंटी ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा और जीरो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए भी होगा एंटीबॉडी बी भी होगा। ये इसमें कौन सी किधर से ये आ नहीं गया आपको है, आ गया ना, ये नहीं आया। चलिए अब ये एंटीबॉडीज का भी पता लग गया। अच्छा कुछ चीज़ें मतलब आपकी बुक में तो उसने जो एक्सप्लेन किया है, दिखाएं क्या क्या एक्सप्लेन किया है आपकी बुक में उसने, ये डेफिनेशन की है एंटीजन की, एंटीबॉडी की और एग्लूटिनेशन की कुछ डेफिनेशन की है, और ये पैराग्राफ उसने दिया है जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है ना। और फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप डिस्कस किया। ओके बेटा इधर देखो, देखो ये एक बात याद रखिएगा, जीन एंटी जीन, इसको देखिए एंटी जीन हम कहते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो मेरे जिससे मैं दाखिल होगा ना उसे क्या बोलते हैं एंटी जीन। फिर उसके अगेंस्ट मेरा बॉडी भी प्रोटीन पैदा करता है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। जब एंटीजीन नहीं जाएगा तो एंटीबॉडीज पैदा नहीं होगा, इस क्लियर। और एंटीजिन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होते हैं अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। जब हम करते हैं ए बी ओ सिस्टम की नेचर की बात करते हैं तो ये इससे भी एंटीजन के तो मुकालता हो सकता है ना है, तो इसे कहते हैं ए ग्लूटिनोजिन, ठीक है ना। ए एंटीजिन को ए ग्लूटिनोजिन और ए ग्लूटिनिन एंटीबॉडी को क्या कहते हैं ए ग्लूटिनिन, इसके लिए एंटीजिन को क्या कहेंगे ए ग्लूटिनोजिन और इसे कहते हैं ए ग्लूटिनिन, क्लियर हो गया। आप देखिए और ठीक है ए ग्लूटिनेशन, अच्छा। और अगर एंटीजीन और एंटीजीन ए के साथ एंटीबॉडी ए आ जाए तो इस समय लोग कहते हैं ए ग्लूटिनेशन, क्या होते हैं ए ग्लूटिनेशन। देखिए ना कभी भी और शैतान और जो नेकी बदी एक जगह नहीं, या तो नेकी होगी या बदी होगी, दोनों कट्टे मिक्स नहीं होता, आधी नेकी आधी बदी नहीं होती। ओके ठीक है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में आएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा है। देखिए रिएक्शन क्या होता है, तो जब देखिए दो आपने कभी देखा ना जब इनका रिएक्शन ना, मतलब ये खून बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ना अगर रिएक्शन हो जाएगा ना तो यहाँ पे फुटकियाँ बन जाएगी, क्या बन जाएगी फुटकियाँ खून की ऐसे ऐसे लोथरे बन जाएगी। ओके तो इसे कहते हैं ए ग्लूटिनेशन, मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो देखेंगे इस अमल को क्या कहते हैं ए ग्लूटिनेशन। लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दे, एंटीजन का पता लग गया, एंटीबॉडी का पता लग गया है, ए ग्लूटिनोजिन का पता लग गया, ए ग्लूटिनिन का पता लग गया, ए ग्लूटिनेशन का पता लग गया, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में जब रिएक्शन करते हैं ए ग्लूटिनेशन का अमल हो जाता है और ठीक है। और क्या क्लैंपिंग हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा क्लैंपिंग, यानी कहते हैं क्लैंपिंग हो गई, ठीक है। अगर ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता ना ऐसे, बिल्कुल यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लैंपिंग नहीं है, ठीक है। ओके अब यहाँ पर चलो ठीक है, अगर ये ऐसे हो जाए ऐसे 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 ऐसे, अब देखो ये क्या हो गई है क्लैंपिंग हो गई, तो दूसरे लफ्ज में क्या हो गया ए ग्लूटिनेशन हो गई, ए ग्लूटिनेशन हो गई, ठीक है क्लियर हो गया। तो अब देखिए एक लफ्ज है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, क्लियर। क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का छोटा डीएनए होता है, डीएनए का छोटा पार्ट सबसे छोटा, तो उसे कहते हैं जीन कहते हैं। जीन क्या करते हैं हमारे करैक्टर को, हर करैक्टर के पीछे एक जीन होता है, ठीक है। अब देखो आप ये देखिए, ये मेरा ये देखिए एक, आप ये देखिए ज़ाहरी अपेयरेंस है, ठीक है, ये मेरा कान चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये जो ज़ाहरी अपेयरेंस होती है ना इसको कहते हैं फिनोटाइप। देखिए अगर किसी एक पेरेंट माँ का ब्लड ग्रुप ए है और बेटे का बाप का ब्लड ग्रुप भी ए है, ठीक है, जो उसका बेबी हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप कोई और है, ओ आ गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया ओ आ गया, तो क्या कहेंगे इसका बेटा नहीं था, वो इसका बेटा नहीं था, ऐसे होगा। देखो माँ का ब्लड ग्रुप ओ ए है और बाप का ब्लड ग्रुप ए है,
बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो गया तो क्या उसका बच्चा नहीं होगा? आपको कैसे पता है? आपको ख्वाब आया है? ख्वाब आया? ख्वाब आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जरा गौर से मेरी बात सुनना। जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, एक मेल से, एक फीमेल से, एक माँ से, और एक फर्स्ट पार्टनर से, एक दूसरे पार्टनर से आएगा। ठीक है ना? मैं चलो जीन को शो कर देता हूँ। ए ए देखिए, ए और ये ए, ठीक है, ओके, ये जीन पेयर है। ठीक है, तो अब एक है ए, ठीक है, और दूसरे का है ओ। क्या है? ओ। तो ये भी जीन पेयर है, ये भी जीन पेयर है। ओके, समझ आ गई ना? अब इसी तरह ये बी है, ठीक है, और ये भी बी है, ठीक है, और एक का बी है और दूसरे का क्या है? ओ है। ठीक है, क्लियर बेटा? समझ आ गई ना? अच्छा, अब फिर देखो मैंने क्या कहा, ये जीन पेयर है, ये जीन पेयर है, ये फर्स्ट पार्टनर से आए, ये सेकंड पार्टनर से, ये फर्स्ट से, ये सेकंड से, दोनों का जीन पेयर मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये जो जीन पेयर होता है ना, इसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, और जो उसकी अपीयरेंस होगी, इसकी जो ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो वो भी ए आएगा, इसका भी ए आएगा, क्योंकि ये करेक्टर क्या है? डोमिनेंट है, और ये क्या है? रिसेसिव, ये ओ क्या है? रिसेसिव है। ओ ए के साथ आएगा, अपनी आइडेंटिटी खो देगा, तो वो ए ही अपीयर होगा। तो जिस इसका मतलब है, जो फिनोटाइप ए होगी तो उसकी जीनोटाइप दो हो सकती है, ए ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है। इसे कह के होमोजाइगस और इसे कह के हेट्रोजाइगस। ओके, इस जीन पेयर को कहते हैं अलील। इस जीन पेयर को क्या कहते हैं? अलील। ये आइडेंटिकल अलील है और वो डिफरेंट अलील है। ओके, अच्छा अब ये देखें, यहाँ पर ये होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है, तो अब इनकी ये क्या है? जीनोटाइप है। इसकी फिनोटाइप क्या होगी? बी होगी। ओके, अब ये देखें, इसमें जीन ए भी अपेयर हुआ है और जी दोनों डोमिनेंट है, तो ना ब्लड ग्रुप अब ए होगा ना बी होगा, तो ए बी ही होगा, ए बी ही होगा, तो इसका इस जाहिर है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। इसकी जीनोटाइप भी ए बी है और फिनोटाइप भी ए बी है। ओके, समझ आ गई? और जो अगर दोनों जीन है रिसेसिव आ गए, ओ ओ आ गया, तो उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये इसकी जीनोटाइप होगी और ये इसकी फिनोटाइप होगी। अब बात समझ आई है? ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरी तो ये वाली पोजीशन होगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो आपका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, बी है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है, आपके अंदर ये भी हो सकता है और ये भी, आपका ओ है, आपका ये हो सकता है। अब बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है? कोई मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें पता ये लगाना है कि एक पार्टनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए ए है, सेकंड का ब्लड ग्रुप ए है और बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? उनके बच्चों का ग्रुप क्या क्या हो सकता है? उसके बच्चों का ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ठीक है ना, ये देखना है मैंने। देखो, अगर वो एक पार्टनर ए ए है, मुझे नहीं पता बुक ने ये एग्जांपल ली है कि नहीं ली, उसकी जीनोटाइप ये है। अब उसका जो सेकंड पार्टनर है उसकी जीनोटाइप क्या है? बी ओ है। ओके, समझ आई है? तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे ए ए गैमेट, ए गैमेट ए बना। अब ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे, दोनों एक जैसे तो एक दफा लिखा, चलो आप दो दफा लिखना चलो लिख सकते हैं, लिख लो। अब इसके ये भी दो हैं तो इनको क्या करेंगे? अलहदा अलहदा करेंगे। ये क्या हो गए? अलहदा अलहदा हो गए। ठीक है, ये सेकंड पार्टनर था। ठीक है, अब ये इससे भी मिल सकता है, ये क्या मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए बी। और ये इससे भी मिल सकता है तो क्या बन जाएगा? ए ओ। और ये इससे भी मिल सकता है तो क्या बन जाएगा? ए बी। और ये इससे भी मिल सकता है तो क्या बन जाएगा? ए ओ। क्लियर? आप देखिए, ए बी कितने परसेंट होंगे? 50%। और ब्लड ग्रुप ए कितना होगा? वो भी 50%। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी कितने होंगे?
चांसेस हैं, ये नहीं है कि आधे बच्चे इतने आधा इतना कौन हो गए, चांसेस हैं 50% चांसेस हैं, ये रैंडम ही अल्लाह ने डिसाइड करना है कौन किससे मिलेगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, लेकिन मिलेगा एक ही, ओके, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, अगर ये इससे मिलेगा तो ये भी होगा, ये इससे मिलेगा तो 50% चांसेस होंगे कि ब्लड ग्रुप कितने होंगे ए बी, और 50% होंगे ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा, ओके, ब्लड ग्रुप ए। देखिए पेरेंट्स में तो ए भी था और बी भी था, तो इनमें ए भी कोई नहीं था, लेकिन बच्चों में ए भी अफेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज होगी तो फिर समझ लें बच्चा मिक्स हो गया, लेकिन अब ये पुरानी टेक्निक है, अब तो डीएनए टेस्ट कराते हैं, तो अब तो इस तरफ दुनिया चली गई है ना, पहले इस तरह करते थे, बच्चा मिक्स हो गया तो कैसे पता लगेगा कि ये किसका बेटा है, तो खून को चेक करते थे ऐसे कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई। आप देखें आपके बुक पे कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, जल्दी निकालो बुक निकालो। हाँ जी, अरे यार इतने देर लगा दी, देखे जो जो एग्जाम्पल दे रहा है ना वहां पे कि देखे ये देखे ये ब्लड ग्रुप बता रहा है वो ए और ए बी, किसका कर रहा है ए और ए बी, इसका क्रॉस करा रहा है, ठीक है, ठीक है जी, ए और ए बी का क्रॉस करा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये देखे आपने ये पैरा निकालें 81 पेज पे निकालें, बुक नहीं है, 81 पेज निकालें, देखो बेटा इसने लिखा हुआ है, और इधर देखो कि फर्स्ट पार्टनर ए है, ए है, ए है, बी है और बी है और ओ है, ओके, और सेकंड पार्टनर वो क्या लिखता है, वो लिखता है ए बी ओ बी ओ ओ, ओके। अब इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या क्या होगी, जीनोटाइप क्या होगी, ठीक है, ये ए ए होगा, इसकी क्या होगी ए बी होगी, और इसकी क्या होगी ए ओ होगी, और इसकी क्या होगी ए बी बी होगी, और इसकी क्या होगी बी ओ होगी, और इसकी क्या होगी ओ होगी। अब फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और इसका क्या होगा ए, और इसका क्या होगा बी, और इसका क्या होगा बी, और इसका क्या होगा ओ होगा, ओके। आप बताओ इसमें क्या मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं, आप बताओ, आप तो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ए बी ओ सिस्टम हो गया कितने, अच्छा ए बी ओ सिस्टम हो गया, तो ये पेपर में बहुत दफा सवाल है कि राइट ए नोट ऑन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ए बी ओ ब्लड सिस्टम देयर आर फोर ग्रुप ए बी ओ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और एंटीजन बी, इस बेस पे होता है। फिर एंटीबॉडीज का भी इसमें जिक्र किया, एक ग्लूटिनोजिन का जिक्र किया, एक ग्लूटिनिन का जिक्र किया, और फिर उसके बाद उसका जीन का जिक्र किया कि साइट और एंटीबॉडीज का जिक्र किया, फिर उसकी जीनोटाइप फिनोटाइप का पढ़ा, और फिर उसकी इनहेरिटेंस पढ़ी है जेनेटिक में, जीनोटाइप फिनोटाइप, और किस तरह जो है ना ये करेक्टर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाता है, तो फर्स्ट में और सेकेंड में का, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा देखिए आम लाइफ में हम नहीं कहते कि मैं मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मैं कहता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कोई भी आपका क्या है ओ पॉजिटिव है, आपका क्या है मेरे को तो नेगेटिव लगते, ठीक है ओ पॉजिटिव है, आपका क्या है बी पॉजिटिव है और ये बी पॉजिटिव है। देखो ये लैंड स्टीनर एक आदमी था, उन 1900 में उसने ए बी ओ सिस्टम डिस्कवर किया, ठीक है, इसी बंदे ने 1930 के अंदर इसी बंदे ने एक और ए अपना आर एच फैक्टर मालूम किया, आर एच पॉजिटिव और आर एच
नेगेटिव, जिसकी वजह से उसने कहा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ओके, तो उसने क्या किया, एक रशियंस जो है मंकी था, उसमें देखा कि रशियंस मंकी में जो है ना एक फैक्टर प्रोटीन पाई जाती है ब्लड में, ठीक है. उस प्रोटीन का नाम उसने कह दिया आरएच फैक्टर. क्या कह दिया? आरएच फैक्टर. देखिए रशियंस है ना, है आरएच फैक्टर. अब उसने कोशिश की कि मैं इंसानों में देखता हूँ, इंसानों के ब्लड में देखता हूँ. तो उसमें इंसानों के ब्लड में देखा, किसी में ये पॉजिटिव था, मौजूद था, और किसी में ये मौजूद नहीं था. क्या बोला? आरएच फैक्टर. ओके, तो उसने कहा ना, तब अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों में आरएच फैक्टर प्रोटीन मौजूद होगी, दे आर पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये एबसेंट होगी, आरएच नेगेटिव. तो इस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग, ये कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं. एक का नाम क्या होता है? पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और एक आरएच नेगेटिव. अब बात समझ आ गई ना? उसमें कितने थे? चार थे, उसमें चार थे. ओके, तो अब इसने इसकी तफसील बताई. इसने भी वैसे कहा, इसने कहा भाईजान ये आपका पास क्या है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम. इसके ऊपर एक एंटीजन ए तो नहीं है, बी भी नहीं होगा, ए और बी भी नहीं होगा, तो इसके अंदर कुछ और ही होगा ना. तो उसने इसका नाम दिया एंटीजन डी, एंटीजन डी, ठीक है. क्या हुआ? एंटीजन डी. तो अब जिसके ऊपर एंटीजन डी था तो उसे क्या कहा? पॉजिटिव. और जिसके ऊपर नहीं था उसे छोटे डी से जाहिर किया, छोटे डी से, वो क्या था? नेगेटिव. वो क्या था? नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट हो गया. क्या आप इसके साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडीज होंगी? इस सिस्टम में एंटीबॉडीज नहीं होती. इस सिस्टम में एंटीबॉडी सिर्फ जिक्र करेंगे एंटीजन डी का. जिसके ऊपर एंटीजन डी होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर एंटीजन नहीं होगा वो क्या होगा? नेगेटिव. मेरी बात गलत तो नहीं लगी? ठीक हो गया ना? तो सिंपल सी बात कही थी. अब इसका भी इनहेरिटेंस करेंगे. फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर. फर्स्ट पार्टनर क्या है? डी. सेकंड पार्टनर क्या है? डी. फर्स्ट पार्टनर क्या है? डी. सेकंड पार्टनर क्या है? डी, छोटा. और थर्ड पार्टनर क्या है? डी. और इसमें भी ये क्या है? डी है. और इस तरह बुक दिखाना. हाँ जी, ठीक है, ठीक है. और इसके अलावा उसने डी और ये डी, मैंने ऐसे रफ सा लिखा है, इस बुक में गलत लिखा हुआ है. देखिए ये कम्बिनेशन क्या हुआ, डी और डी. ये क्या हुआ? जीनोटाइप. और फिनोटाइप क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है. ये डी और डी, ये जीनोटाइप. फिनोटाइप क्या होगा? पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव. और ये डी, ये भी उसी तरह डी और डी. ये क्या होगा? पॉजिटिव. और ये क्या होगा? डी और डी. ये क्या होगा? नेगेटिव. ओके, डी और डी, क्लियर हो गया. तो इसी तरह उसने कहा कि एक खातून है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है. और एक मेल है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है. तो उसका मतलब है, मुझे तो पता है कि अगर देखें ये डी डी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऐसे है ना. और ये क्या है? डी डी. ये क्या होगा? नेगेटिव. ओके, आप क्या करेंगे, इनको अलहदा करेंगे, अलहदा करेंगे ना. ये देखो, ये अलहदा हो गया क्या? डी. और ये क्या हो गया? स्मॉल डी. और ये क्या हो गया? स्मॉल डी. और ये क्या हो गया? स्मॉल डी. क्रॉस कराएंगे, एक ये क्या बन गया? डी और स्मॉल डी. ओके, और ये मिल गया. तो ये डी और ये बड़ा डी, ठीक है. फिर ये किससे मिला? ये इससे, इससे मिला. ये डी और ये इससे मिला, ये भी डी, ठीक है. और ये क्या हुआ? ये सब बढ़ रही. और ये डी. क्लियर? ऐसे ही है ना, ऐसे होगा ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा? पॉजिटिव. और ये क्या होगा? पॉजिटिव. और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? नेगेटिव. तो ये सारे क्या है? जीनोटाइप है. और ये क्या है?
फिनोटाइप है। अब बताओ पॉजिटिव वाले कितने परसेंट लोग चांसेस हैं, 50%, और नेगेटिव के कितने चांसेस हैं, 50%। हाँ जी, हो गया। तो ये जी आपके ए बी ओ सिस्टम और आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, दो, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, और उसमें कितने होते हैं, चार, ए बी, ए बी और ओ। वेरी क्लियर। कितना आसान है, अरे आसान है कि मुश्किल है, अगर फिर पढ़ा क्यों, ऐसे घर बैठ के पढ़ लेते। ठीक है जी, अब आते हैं ई एस आर पे, कहते हैं ई एस आर पे। ओके, इसे बंद कर दो।